दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। भारत के किसी भी राज्य से मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इस भर्ती पर आवेदन करने की 14 अक्टूबर 2019 है, जिससे पहले पहले आपके आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हिंदी में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं MTS की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के अंदर मल्टी टास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए बम्पर भर्तियां निकली है। वैकेंसीज की डिटेल आप ऑफिशियल नोटिस में से भी चेक कर सकते हो। वहीं बात अगर इस भर्ती की सैलरी की जाए तो यहाँ पर आपको 18,000 रुपये प्रति महीना सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद MTS की इस पोस्ट के लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 10वीं पास या फिर ITI पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 साल मिनिमम और 27 साल यहाँ पर आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ₹500 आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं बाकी सब अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में इन फेवर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS पेबल एट कोलकाता के रूप में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट, स्किल या फिर ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन आप इस भर्ती के लिए कर सकते हो। जॉब लोकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है IACS.RES.IN। इस भर्ती पर आप 14 अक्टूबर 2019 तक आवेदन कर सकते हो। 14 अक्टूबर 2019 के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी MTS की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF है। यहाँ से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके रीड कर सकते हो, जैसे कि कैसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, कितनी एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर जमा करानी है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कौन सी कैटेगरी के लिए निकली है, क्या यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितनी सैलरी आपको प्रति माह के रूप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, डेट्स। इस प्रकार से आप पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1x1 करके इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से भी रीड कर सकते हो। और पूरी डिटेल यहाँ से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के PDF का लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके आप उसको भरकर लास्ट डेट से पहले पहले ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना होगा, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद कोरोस्पेंडेंस एड्रेस भी आपको यहाँ पर डालना होगा यदि आपका है, और उसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि, नेशनलिटी, अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पर अफिक्स करना है। इस प्रकार से इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपनी सभी एक्यूरेट डिटेल के साथ भरकर आपको लास्ट डेट से पहले पहले इसको ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर देना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का ऑफिशियल एड्रेस है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जादवपुर, कोलकाता 7000032। जी हाँ दोस्तों, इस एड्रेस पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।